झारखंड पहुंचा मानसून, आज भी कई जगहों पर होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, रहे सावधान। अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। तो दरअसल झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी। कल शाम से काले बादलों ने रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में डेरा डाले रखा। रात होते होते बारिश भी हुई। मौसम विभाग रांची ने कहा है कि अभी 1 से 2 दिनों में राज्य के दूसरे हिस्सों में भी मानसून पहुंचेगा। झारखंड में दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री हुई है। कहां कितना रहा तापमान, कल सोमवार को राज्य में सबसे ज्यादा तापमान पलामू में दर्ज किया गया, जहां का तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद गुमला का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पलामू के तापमान में 0.2% की बढ़त दर्ज की गई है। वही सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ 5.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मानसून के आने से राज्य के दूसरे हिस्सों में भी राहत मिलेगी। अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। अगले 5 दिनों में राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। संताल के इलाके जिसमें साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका में मानसून का असर देखा जा रहा है। जामताड़ा और देवघर में भी कई इलाकों में बारिश हुई है। अगले 2 दिनों में जमशेदपुर में भी मानसून प्रवेश करेगा। तापमान में आने लगी है गिरावट। झारखंड में मानसून के प्रवेश करते ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रांची समेत अन्य कई जिलों में बूंदाबांदी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई जिलों में जोरदार बारिश भी हुई है, जबकि कई जिलों में हवाओं भी काफी रफ्तार से चली है। झारखंड के कई इलाकों में मानसून अब धीरे धीरे पहुंचेगा। मौसम विभाग ने 21 और 22 जून को भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मानसून ने भले ही राज्य में देर से प्रवेश किया है, लेकिन इस वक्त की बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। तपती धरती को मिलेगी राहत। झारखंड में लंबे समय से मानसून का इंतजार हो रहा था। तपती धरती और लू ने लोगों को परेशान कर दिया था। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। पलामू राज्य सबसे गर्म रहा। यहां तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर रहा था। इस बार का मानसून कैसा रहेगा, इसे लेकर भी चिंता शुरू हो गई है। अगर इस बार अच्छी बारिश नहीं हुई तो कई इलाकों में जल संकट और गहरा जाएगा। मौसम विभाग की ओर से झारखंड में 2023 में सामान्य बारिश की संभावना जताई है। 10 साल के जो बारिश के आंकड़े हैं वो 5-5 साल के अंतराल के बाद कम होता रहा है। तो और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप झारखंड की खबरों को विस्तार में पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org को विजिट कर सकते हैं और खबरों से अपडेट रह सकते हैं। धन्यवाद।